बच्चों तो आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 1 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 9। देखो हमें यहाँ तक जो अगले वीडियो में हमने क्या किया था, हमारा सिलेबस जो वर्कबुक के साथ कंप्लीट किया था। अब हम जो हमारे दिवाली के बाद जो हमने स्टार्ट किया है जिसमें रिवीजन था, वो रिवीजन में हमने 8 यूनिट तक किया था। अब हम 9 यूनिट से फिर से रिवीजन करते हैं। अगर इसमें भी अगर आपको पता नहीं चलता है, कोई प्रॉब्लम रह गई, तो आप मुझे पर्सनली कॉल भी कर सकते हो, वॉइस कॉल में आके मुझे मिल भी सकते हो, तो मैं आपको अच्छी तरह से उसको सिखा सकता हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 9, डेटा हैंडलिंग। जो डेटा हैंडलिंग है उसके बारे में, डेटा हैंडलिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो डेटा होता है उसको हम क्या करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपके गांव के पूरा डेटा जो आपकी गांव की ग्राम पंचायत जो होती है वहां पे होता है, जैसे कि गांव में कितने खेत हैं, किस किस के नाम के हैं, कौन से किसके नाम के कितने खेत हैं, कितने घर हैं आपके पूरे गांव में, फिर कितनी स्कूलें हैं, कितने पानी की जो बोर आते हैं मतलब वो है, फिर गाँव में कितने तालाब हैं, गांव में कितने शौचालय हैं, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी कहाँ पर होती है, जो हमारे गांव की ग्राम पंचायत होती है उसमें। तो वो क्या होते हैं, पूरे गांव का डेटा वहाँ पे होता है। फिर हमारे गांव में कितने लोग हैं, कितने जेंट्स हैं, कितनी लेडीज हैं, ये सब भी वहाँ पे होता है, क्योंकि वहाँ पे अगर किसी बच्चे का बर्थ होता है तो यहाँ पे जाके हम क्या करते हैं, अपना नाम, उसका नाम भी लिखा देते हैं। अगर कोई जो बुजुर्ग है कोई बीमारी की वजह से अगर वो उनकी डेथ हो जाती है तो उनका नाम भी वहाँ पे जाके हम लिखवा देंगे, मतलब ये इंसान की इस तारीख को इस वजह से डेथ हो गई है, तो इसका नाम इस फैमिली से या तो फिर हमारी जो डेटा है उसमें से कम कर दो, क्योंकि उसका नेक्स्ट टाइम उसके नाम की जो वोट आते हैं, वोटर आईडी मतलब वोटिंग होती है वो नहीं हो, मतलब वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें उनको एक्चुअली पता नहीं होता है, तो उनको पता हो जाए तो वो क्या करेंगे, उसके नाम मतलब कम हो जाते हैं। उसी हिसाब से बहुत, जैसे कि हमारी स्कूल है तो हमारे स्कूल का पूरा डेटा कहाँ पे होता है, हमारे ऑफिस में, जैसे कि हर एक क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, फिर कितने टीचर हैं, कितने क्लासरूम हैं, कितने सीसीटीवी कैमरा है, कितने वॉशरूम है, ये सारी चीज़ें हमारे पास। फिर कौन से क्लास में कितने बेंचेस हैं, कौन से क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं, फिर अभी कौन से क्लास में कौन सा पीरियड चल रहा है, क्या पढ़ा रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑफिस में आया। अगर आप जाके बैठ के पूछोगे कि सर इस क्लास में अभी कौन सा क्लास और कौन सा सब्जेक्ट में क्या चल रहा है, तो वो आपको वहाँ पे बैठे बैठे पता, क्योंकि उनके पास पूरा उस दिन का पूरा डेटा होता है। इसके हिसाब से यहाँ पे जैसे देखो, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक पिक्चर दी है जो अलग अलग शेप में है, जैसे कि ट्रायंगल में, सर्कल में और रेक्टेंगल में और स्क्वायर में, तो वहाँ पे आप देख सकते हो, तो उसमें दो हिल जैसे दिखाई दे रहे हैं, एक सन है, फिर सनलाइट के हिसाब से वहाँ पे ट्रायंगल बताए, फिर कुछ बर्ड दिखाने के लिए, तो उसके नीचे हमें कुछ क्वेश्चन दिया है, काउंट द शेप इन द अबव पिक्चर, जो ऊपर वाला पिक्चर है उसके हिसाब से आपको काउंट करना है शेप, और उसके जो आंसर है वो हमें नीचे देनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो जैसे कि ट्रायंगल जो ऊपर वाला पिक्चर है उसमें कितने ट्रायंगल है, तो उसके तो यहाँ पे मैं देखो पहले क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ये पिक्चर को हम ड्रॉ कर देते हैं। जैसे कि ये पिक्चर आपको ऑलरेडी बुक में दिया है, तो मैं कोई दूसरा पिक्चर ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, फिर उसके हम पहले इसका जो आंसर है वो हम कर देते हैं। तो ट्रायंगल कितने दिए हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं ट्रायंगल कितने हैं, तो 22 है, कितने 22, जैसे कि सन के आसपास जो सनलाइट दिखाई दिए, फिर बर्ड है उसके जो पंख है इधर उसमें भी है, फिर ट्री के हिसाब से बताए, तो यहाँ पे टोटल जो ट्रायंगल हम काउंट करेंगे तो 22 ट्रायंगल होते हैं। नेक्स्ट उसके नीचे स्क्वायर के बारे में बात की, तो स्क्वायर कितने हैं, यहाँ पे स्क्वायर गिन सकते, जो हाउस है उसके दो विंडोज दिए जो स्क्वायर में है, फिर उसके टॉप पे जो डिज़ाइन दिए पैरामीटर वो भी स्क्वायर में बताया हुआ है, ये कितने हुए टोटल, वो तो वो कितने हैं
सेवन, कितने लिए हमें स्क्वायर सेवन। फिर उसके बाद उसके पास में सर्कल बना के दिए, जो सर्कल है वो कितने हैं, तो सर्कल जो है वो हमें गिन दिए, जैसे कि सन में एक सर्कल है, फिर बर्ड में तीन सर्कल है, फिर एक वहाँ पे माउस बना के दिए उसमें वन टू थ्री फोर, फोर सर्कल वहाँ पे, तो फोर प्लस फोर एट, तो यहाँ पे कितने सर्कल है, एट सर्कल। फिर उसके नीचे दिया हमें रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल कितने दिए, तो हाउस में दे सकते हैं हम, तो वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव यहाँ पे भी हमें रेक्टेंगल दी है, तो इसके हिसाब से आप कह सकते हो। फिर हमें नीचे क्वेश्चन दिया है कि नेम द शेप दैट अगर्स द मोस्ट, सबसे ज्यादा कौन सा शेप है, तो आप भी गांव में पंचायत में जाके देख सकते हो कि हमारे गांव में सबसे ज्यादा किसके पास, मतलब जो खेत है जमीन है वो किसके पास है, आप वो बताएगा कि हमारे गांव में जो सबसे ज़्यादा जमींदार है वो इसका नाम है, और सबसे कम या तो फिर नहीं है वो कितने लोग हैं, तो उनके तो बहुत सारे नाम दिखेंगे, लेकिन क्यों, क्योंकि जो पूर्ण मतलब पूर्ण व्यक्ति है, जो गरीब लोग हैं उनके पास कोई जमीन होती नहीं है, वो क्या करते हैं, जो खाने के लिए गेहूँ वगैरह वो बाहर से खरीदते हैं पैसे से और फिर खाते हैं, फिर तो उनके हमें इसके हिसाब से यहाँ पे भी क्या कहा गया, इस पिक्चर में सबसे ज़्यादा कौन से शेप है, तो कौन से है, तो ट्रायंगल है, और सबसे कम द लेस तो स्क्वायर दिए है, तो इसी के हिसाब से हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक और पिक्चर ड्रॉ करते हैं और उसके अंदर कितने शेप है वो हमें गिनने होंगे, तो हम करते हैं। चलो जो ये वाला शेप भी हमारी जो वर्कबुक है उसमें दिया हुआ है, तो आपके पास अगर वर्कबुक है तो आप उसको ओपन कर सकते हो। इस तरह से फिर कैसे बड़ा ट्रायंगल है, फिर इस तरह से ट्रायंगल है, यहाँ पे रेक्टेंगल है, थ्री सर्कल भी है, थ्री सर्कल, देखो कि यहाँ पे हमारे पास इस तरह से हमें एक पिक्चर ड्रॉ करके दिया है, जो आपको मैंने ड्रॉ किया वो आपको दिखाई दे रहा है।
तो आप इस पिक्चर के हिसाब से यहाँ पे हमें हम कुछ बॉक्स बना देते हैं। ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल और रेक्टेंगल के हिसाब से यहाँ पे हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, ट्रायंगल कितने हैं इस पूरे पिक्चर में, ट्रायंगल कितने दिए हैं। ये हमारे पास एक डेटा है, ये पिक्चर हमारा एक डेटा है, उसमें ट्रायंगल कितने वो हमें पता होने चाहिए। तो कितने हैं हम स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कितने हैं, तो 12 के लिए ट्रायंगल। उसके बाद स्क्वायर के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कोई भी एक भी स्क्वायर दिखाई देता नहीं है, सारे के सारे क्या है रेड एंगल ही मैंने, तो स्क्वायर में क्या आएगा जीरो। अगर नहीं है तो आप बिल्कुल लिख सकते हो जीरो। उसके बाद सर्कल कितने हैं, मैंने सर्कल बना दिया जीरो इस तरह से। अब सर्कल कितने दिए हमें यहाँ पे वो भी फाइंड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने 8 यहाँ पे 8 सर्कल बना के हमें दिए, यहाँ पे हम लिखेंगे 8। ओके, अब लास्ट में क्या रहा, यहाँ पे हम ये तो दोनों ये ट्रायंगल तो भूल ही गए थे, इसलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 तो कितने ट्रायंगल होंगे यहाँ पे, 1, 4, 14 होंगे। अब लास्ट में क्या है तो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल कितने हैं हमारे पास, रेक्टेंगल है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कितने हैं 12, तो रेड एंगल हमारे पास 12 है, ट्रायंगल 14 है और स्क्वायर 0 और सर्कल 8 है। आप इसके हिसाब से देख सकते हो ये पूरे पिक्चर में इतने इतने शेप का मैंने यूज किया है और उन शेपों के हिसाब से मैंने क्या किया है यहाँ पे एक अच्छे से क्वेश्चन मतलब डेटा बना लिया और डेटा का ओके। चलो अब ये तो हो गए, अब हम हमारी जो क्लासरूम में उसमें बहुत सारे बच्चों के नेम हैं वो नेम लिखते हैं और उन नाम जो नेम है उसमें ऐसे को कितने जो बच्चे हैं जिनका नेम सेम अल्फाबेट में आता है, जैसे कि किसी का नेम फोर अल्फाबेट में होता है, किसी का नेम फिफ्थ अल्फाबेट में होता है, तो इस जैसे हम जो नाम नेम है वो हम यहाँ पहले लिखते हैं, उसके बाद उसके क्वेश्चन के आंसर देंगे। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल सारे में कैपिटल में लिखता हूँ, पहले है रवि, फिर जय, फिर तार, फिर नमन, उसके बाद है प्रीनु,
रीनू के बाद उसके बाद दीप। यहाँ पे देखो मैंने कुछ नियम लिखे यहाँ पे, तो इसके ये आपके पास कुछ नियम है और इसके डेटा आपके पास हमें फाइंड करने के, इस नियम में क्या क्या है अगर कोई भी आपको पूछे तो। मैं आपको पूछ सकता हूँ कि यहाँ पे ऐसे कौन से कितने नियम है, हाउ मेनी नेम्स फॉर अल्फाबेट थ्री लेटर्स, कितने लेटर्स में थ्री अल्फाबेट में लिखे गए वो ऐसे कौन से। देखो रवि फोर अल्फाबेट, जय थ्री अल्फाबेट, क्या आएगा जय, दीव फिर साढ़े ढाई फोर फाइव में जय और दीव, तो कितने हैं टू नेम कितने हैं जो थ्री अल्फाबेट में लिखे गए हैं। फिर हाउ मेनी नेम आर देयर विथ फोर लेटर ऑफ द अल्फाबेट, जो फोर लेटर में लिखे गए हो, जो पूरे नाम उस नाम को लिखने के लिए फोर लेटर अल्फाबेट का यूज किया गया हो, ऐसे कौन से नाम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रवि, उसके बाद तारा, देखो रवि का भी वन टू थ्री फोर लेटर, तारा का भी कितना है फोर लेटर, इसका वन टू थ्री फोर फाइव है, इसका भी फाइव, ये फोर लेटर, तो वन टू थ्री और फोर, तो कितने नेम है ऐसे दीप, तो फोर लेटर जो है वो फोर नेम है जो फोर लेटर में लिखे गए है। उसके बाद हाउ मेनी नेम आर देयर विथ फाइव लेटर ऑफ द अल्फाबेट, जो फाइव लेटर में लिखे गए हो, एक है नमन, एक प्रीनू और एक उमंग, कितने उमंग, तो थ्री नेम है ऐसे, कितने नेम है तो थ्री नेम जो फाइव अल्फाबेट में हमें लिखे गए लेटर। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन पूछा जाए आपको कि हाउ मेनी टाइम एन अकर्स आउट ऑफ ऑल द नेम, पूरे ये जो सारे नेम है उसमें एन कितनी टाइम यूज किया गया है। देखो रवि में एन यूज किया है नो, जय में नो, दीव में नो, तारा में नो, नमन में एन यूज किया है जैसे वन टू टाइम, यहाँ पे प्रीनू में भी किया है तो थ्री टाइम, उर्मी में नहीं किया है, उमंग में किया है, कितने हुए वन टू थ्री फोर टाइम, दीप में नहीं, तो फोर टाइम एन यूज हुआ है। आपको अगर पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइम एन अकर्स आउट ऑफ ऑल द नेम में कितने टाइम एन को यूज किया है तो आप बता सकते हो। उसके बाद हाउ मेनी टाइम्स ई अकर्स आउट ऑफ ऑल द नेम्स, आउट ऑफ ऑल में ई कितने टाइम यूज किया है, यहाँ पे देखो ई है नहीं है, जय में नहीं, यहाँ पे दीव में है, तो वन टाइम, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नो, यहाँ पे नो, नो, ओके, तो थ्री टाइम, कितने टाइम ई, तो थ्री टाइम, कोई भी लेटर जैसे ए दिया हो, ई दिया हो, आई दिया हो, तो आपको क्या करना है पूरे जो लेटर दिए वो सारे लेटर आपको अच्छे से देखने होंगे, उसमें जो जो जहाँ जगह पे वो दिया है वो हमें क्या करना होगा अच्छे से लिखना है, फिर हमें उसको कंप्लीट लिखना है। ओके बच्चों, यहाँ पे देखो मैंने आपको नियम वाला दिखाया, इसी तरह से अगर आपको कोई फूड दी हो जो हमारे वर्कबुक में दिया है, ये फूड वाला हमें जो दिया था क्वेश्चन, तो इसके हिसाब से भी आप कर सकते हो जो मैंने आपको अच्छे से करवाया हुआ है। फिर कोई भी हो जैसे कि हमारा कोई फेस्टिवल हो टू डेज का, तो इस डेज में फर्स्ट डे में हमने कौन से आइसक्रीम या कौन से खिलौने बेचे, ऐसे भी हम डेटा बना सकते हैं।
तो ये डेटा हैंडलिंग चैप्टर क्या था कि अगर आपके पास कोई भी चीज़ है तो वो चीज़ की पूरी तरह से उसकी जो डिटेल है वो आपके पास होनी चाहिए कि उसमें क्या है, कितने हैं, कौन सी डेट को रिलीज हुआ है, कब एक्सपायर हो रहा है, कितने की है, कब जाएगी, सारी चीज़ें, जैसे कि जो भी चीज़ है उसके हिसाब से आपको पता होना चाहिए। ओके बच्चों, तो इसमें भी अगर आपको और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।